हरे कृष्णा। एक प्रश्न था कि हम एकादशी के दिन में ये नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, ऐसे ऐसे दिनों में हम भगवान को अन्न प्रसाद, अन्न भोग लगा सकते कि नहीं, क्योंकि हम जानते कि ऐसे उत्सव जब है, विशेष नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी और एकादशी, उस दिन हम अन्न नहीं खाते, अन्न नहीं खाना है, तो क्या भगवान को लगा सकते कि नहीं? हाँ, समझना चाहिए कि हम क्यों उस दिन अन्न नहीं खाते, हम क्यों उपवास करते हैं, हमारा शुद्धि कारण करने के लिए। तो भगवान को उपवास करना जरूरत नहीं है, भगवान तो भगवान है, हम लोग बद्ध जीव हैं, और भगवान ने कुछ नियम दिया कि कौन सा दिन व्रत करना ठीक है, कौन सा दिन अन्न नहीं खाना है, विशेष एकादशी। लेकिन हम भगवान को लगा सकते और लगाना चाहिए एक्चुअली। अभी हम देखते, कई बार हम उस दिन भगवान के लिए भी केवल एकादशी, इसको बोलते अनुकल्पा, ये एकादशी प्रसाद जिसमें अन्न नहीं है वो हम बनाते हैं, लेकिन बाकी जो अन्न है, चपाती, चावल, दाल, वो हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हम नहीं खाएंगे, हम ऐसे सोचते हैं उस दिन तो खाना ही नहीं है, तो इसीलिए हम बनाते नहीं, और भगवान को वो लगाते जो हमको हमको खाना है। फिर भी एक्चुअली हम लगाना चाहिए, अगर संभव है तो उसी दिन भी भगवान को अन्न प्रसाद लगाना, और हम उसका जो जो प्रसाद है, अन्न प्रसाद, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे उस दिन, पर अगले दिन हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, मतलब ग्रहण कर सकते हैं या सेवन कर सकते हैं। तो बात यह है कि भगवान परम भोक्ता है, उनके लिए कभी भी उपवास नहीं है, नहीं होता है, और भगवान को उस एकादशी के दिन या उत्सव के दिन हमें उनको अन्न भोग लगाना हम कर सकते और करना चाहिए। ऑफ कोर्स एक चीज़ है कि एकादशी के दिन अगर हम भोग भी लगाया अन्न, तो हम उसको बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि विशेष एकादशी के दिन अन्न के अंदर में पाप है, तो अगर हम प्रसाद भी वितरण किया उस दिन तो पाप वितरण होगा, तो इसलिए वो वितरण भी अगले दिन करना है, सबसे उत्तम है, क्योंकि हम सोचे बाकी लोग एनीवे खाते हैं उस दिन, अन्न खाते, पालन नहीं करते, तो हम भी देंगे, फिर भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम पाप दिया तब लोगों को, साथ साथ अगले दिन करना सही है, एकादशी विशेष। बाकी उत्सवों में के लिए ये ऐसे नियम नहीं है, तो कभी-कभी उसी दिन भी, जैसे जन्माष्टमी है, तो लोग आते हैं और वो अन्न एनवे खाते हैं, तो उनको अन्न प्रसाद भी दे सकते हैं बाकी जो उत्सव है, लेकिन एकादशी अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान को अन्न भोग लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।